हाय। तो बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैं इस साली शीला बाई से डर गई। वो ये इस शीला बाई इतनी थर्ड क्लास से मैं डर जाऊँ? आपको तो पहले से बताई थी, थोड़ा काम में बिजी थी तो वो तो चल रहा था। उसके बाद बीच में क्या हुआ, इतने फोन मैंने एक कैंसर पेशेंट के लिए जब एक फ़ोन नंबर छोड़ा था तो वो तो ऐसा घुमा घुमा फोन नंबर और ऐसे ऐसे नमूने मिल गए मेरे को, मैं क्या बोलूँ आपको। बहुतों ने बहन बना लिया, बेटी बना लिए, बहुत अच्छा दिखा। सब मेरे को इतना ही पूछ रहे थे कि नेक्स्ट क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलो भाई, नेक्स्ट जो होगा वो तो आपको नहीं, अब सबको पता चलेगा, वो बोलने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को। बहुत अच्छे से बात भी की और जो जो वो मेरी फैमिली के बारे में सब पूछ रहे थे तो बहुत अच्छे से भी बोल रही थी, बहुत अच्छे से घुमा भी रही थी। अब तो शायद आपको कोई ना कोई मेरा रिकॉर्डिंग डाल के सुना भी दे कि देखो सब ऐसा बात करती है वैसा बात करती है। मज़ा आएगा जो भी है, जिनसे भी बात की हूँ। अगर आपको सुनाना चाहते तो बिंदास सुनाइए, क्योंकि मैं तो पहले से भी बोलती हूँ ना, मैं इधर कैमरे में, मैं जब टिकटॉक से हूँ तब से लेके आज तक भी ना झूठ बोली हूँ ना बोलूँगी, और ना तो मैं मेरी फैमिली के बारे में किसी को बताई हूँ ना बताऊँगी। मगर ये क्या है मालूम, घुस जाते हैं, हे मेरी बहन बनाने के बाद अपने आप को मैं ये वो, मतलब ऐसा ऐसा घुमाए ना, अच्छा लगा। क्योंकि देखो जब मैं एक से बात करती हूँ तो उनका भी रिकॉर्डिंग रखती हूँ, मैंने पहले से भी आपको कहा था। क्योंकि दुनिया है भाई, दुनिया में तो इतना झूठ चलता है ना, झूठ के ऊपर ही दुनिया खड़ी है, इतना झूठ चलता है। तो हम लोग को भी थोड़ा होशियार रहना है कि आगे से जो आदमी से बात कर रहे तो उसका रिकॉर्डिंग रखना ज़रूरी है। एक तो सोशल मीडिया पे बहन बना लेते हैं, बेटी बना लेते हैं, बनाने के बाद रहता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, तो उनको क्या पता है कि मैं क्या हूँ। अभी पता भी चल गया थोड़े दिन में कि ये बोलते हैं कि हाँ मेरे को वो आदमी मालूम है, मतलब बड़ा बड़ा आदमी कुछ भी मालूम है, बॉम्बे में वो मालूम ये मालूम, मैं ये वो बोलते बोल के क्या करने का है भाई। आप लोग मेरे कुछ आके हेल्प करने का है, करेंगे तो नहीं है ना, बड़े बड़े बातें कभी भी नहीं करने का है। मेरे को मालूम है इतने दिन तक किसी को भी हेल्प लेना नहीं चाहती थी, मैं खुद के दम पे खड़ी हूँ, खुद के दम पे ही उसकी सच्चाई लाती थी, लाने वाली हूँ। तो ये इसमें क्या है, क्या आगे आ जाके मैं हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि मैं जो उसके बारे में वीडियो बना रही थी या उसके बारे में बोल रही थी, वो स्टॉप करने के लिए और गुमराह करने के लिए। बहुत अच्छा गुमराह किए आपने, जो किया आपके साथ मैं भी वही करके हूँ। बिंदास आप मेरे रिकॉर्डिंग छोड़ सकते हो, जो जो मैं तुम्हारे पास बोल के हूँ या बात करके हूँ, बिंदास छोड़ो। समझ में आया? और रही दूसरी बात, देखो भाई ये तो शीला भाई इतनी थर्ड क्लास निकलेगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, और अपने आप को क्या बोलती है, सिंगल, क्या मैं सिंगल लेडी खड़ी हूँ लड़ रही हूँ, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं वो नहीं, मैं अकेली लेडी, तू है तेरी जिंदगी पे, क्या क्या बोलते, सिंगल है टोटल, तेरे पीछे 66 लोग कनेक्टेड हैं तेरे साथ, जो तेरे पीछे काम करने वाले, जो कैमरा के आगे काम नहीं करते, तेरे सामने आके पीछे करते, उनमें से एक। ये तो इतनी गिरी हुई औरत है जो खुद की बहन की इज्जत तक बेचने के लिए तैयार है। किसी ने एक थर्ड क्लास, एक उसका नाम भी मैं डालूंगी, उसका फोटो भी डालूंगी, उसका नंबर भी डालूंगी, साला मुंबई में कहीं मिले ना आप लोग को, यानी तो फोन करके थूको, यानी तो उसको किधर भी मिले तो ठीक से बजाओ। इसने मेरे को कॉल करके, ये शीला बाई की बहन के बारे में मेरे को बोला, क्या कि इसकी बहन भी ठीक नहीं है, आप जो शीला बाई को बोलते हो, शीला बाई अच्छी है, शीला बाई की बहन ठीक नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ जो 2 साल से 4 साल से हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो उसकी तो शादी हो गई है तो तू किधर से बॉयफ्रेंड बना? तो बोलता हाँ वो शादी होने के बाद मैं उसका बॉयफ्रेंड बना, एक ही नहीं उसके इतने बॉयफ्रेंड हैं, वो है ये है, मेरे पास फोटोज़ है वीडियोस है। मैं भी सुन रही थी अच्छा बोल बोल।
इतना गंदा गंदा बोल रहा था। तब मैंने उसको पूछा, अच्छा अगर वो शीला बाई अच्छी है, जब वो उसकी बहन ठीक नहीं है ये बोल रहा है ये, तो बेचारी वो क्यों एक छोटे चौल में एक छोटे घर में रहती है, और ये जो शीला बाई इतनी सीधी सादी इतनी अच्छी जो एक फ्लैट में, एक बेडरूम के फ्लैट में, शीला बाई उनके बहनों का तो हख और सब बजा के हो गया, उनको तो कुछ की भी नहीं है वो अभी तक, ना तो अभी तक भी कुछ की नहीं है, ये तो सच्चाई मालूम थी। ना तो मैं उनकी बहन के बारे में इधर बोलने का था, क्योंकि एक इसकी इसका जो गेम था मेरे को गुमराह करने, उसकी बहन के पीछे लगा दी। अगर वो उनकी बहन हो या दूसरे के पीछे लगा तो भी मैं किसी के पीछे जाने वाली में नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं देखती नहीं बोलने का नहीं है। और एक औरत के बारे में जो साला ये बोला है ना, इसलिए इसको इसका नंबर और फोटो इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि जो जिस जहाँ भी मिले नीचे का मैं जो दिखा वो मैं नहीं बोल सकती कैमरे में, लेके मारना। ओ आसिफ अब तो तेरी लग गई। एक तो क्यों भाई, तेरे को मैंने कॉल भी किया था चल आ मिलने के लिए, तो किधर भाग गया तू किधर? मैं तो मुंबई आके तेरे को कॉल करके एड्रेस भी बोल रही हूँ ये होटल में आने के लिए, तो किधर? तूने बोला वीडियोस है मेरे पास, क्या फोटोज है, मैं लेके आके आगे ही देता हूँ। मैंने बोला मुंबई में हूँ, ये इस पे ये होटल में हूँ, तो तेरे को बोलते तो भाग ही गया साला, एक कॉल भी नहीं किया फिर उठाया भी नहीं, क्योंकि कितनी देर होती तेरे घर के सामने या तेरे पास आके खड़ने के लिए। तेरे जैसे को तो मैं पता चल गया ना शीला भाई ने छोड़ा था बोल के, इसलिए तेरे को भी सुन रही थी देख रही थी, तेरा रिकॉर्डिंग भी डालूंगी ना। सच में बोलती हूँ बहुत बहुत गंदा है तू। हाँ एक तो मैं धंधे वालों से डरती नहीं हूँ, चलो धंधे वाली तो धंधे वाली होती है, तेरा क्या है? ये देख रहे हो मेरा काम जो है वो तो मैं कर रही हूँ, ये शायद आप लोग को एक है, क्योंकि मैं तो डरने में वाले में से हूँ नहीं, जो भी है करके दिखाने वाले में से हूँ। तो अब आप शीला भाई को तो बहुत फुदक फुदक के नाच रही है, फुदक फुदक के गा रही है, अच्छा लग रहा है, पता नहीं ना कोई नया मिल गया होगा अभी कोई। दो दिन इसकी एक स्टोरी बोलना भूल गई, पहले तो वो दो दिन से बोल रही थी ना कि मैं कहीं नहीं गई, घर में ही थी, मैं कहीं नहीं गई। इतने में आप नहीं समझ सकते कि ये कितनी झूठी है। अगर कोई घर पे रहने वाला या झूठ नहीं बोलने वाला बोलेगा ही नहीं कि मैं घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ कि नहीं बताती। और एक इसकी बात, घर पे कोई नहीं है, बल्कि ये तो मैं उस टाइम से भी बोल रही हूँ, रमज़ान के टाइम से भी कितने लोगों ने पता किया कि घर में चार लोग हैं, तो शायद वो तो खुलासा करने वाली है कि चौथा कौन है। तो मज़ा आ रहा है उसको तो देखने में, सच में बोलती हूँ बहुत मज़ा आ रहा है।